ना कुछ मुझे देखे गए हैं, समझ नहीं आ रही है क्या। मैं थोड़ा सा पी तो रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ फेंटा की तरह है ना। तो कुछ दोस्त आए हुए हैं, तो ये बैठा है और ये बैठा है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, जस्ट फेसबुक फ्रेंड। तो ये भाई भी बैठे हुए हैं इधर, माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं ना। अच्छा ना, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये है क्या, लेकिन ये थोड़ी सी ना शराब की तरह थी, इसी वजह से मैंने नहीं पी है। मैंने कहा चलो ये थी कथम, और इसका नाम कथम है। ओके बट या सीसा ड्रिंक दिस है ड्रिंक विस्की सेम सेम आई डोंट लाइक। ओके आई डोंट लाइक है ड्रिंक विस्की या स्मोक वी वर्ड नो या या हाउ आर यू या आई एम गुड या गुड व्हाट्स योर नेम माय नेम इफ्रॉन्स इफ्रॉन ये इफ्रॉन है थाईलैंड सिसिकेट में रहती है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये लोग तो पीते हैं ना, मतलब एक ड्रिंक विस्की अक्सर पीते रहते हैं, तो इसने ना मुझे दिया। तो अच्छा ना, मुझे हंसी आ रही है। ये कह रही थी कि शायद पीता है, लेकिन मैं नहीं पीता ना इस चीज़ से। मैंने फिर इससे पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, तो इसने बोला है कि ये ना ड्रिंक विस्की है। तो मैंने इसको वापस कर दिया, मैंने कहा ये चीज़ें मैं ना नहीं पीता हूँ। तो ये फिर ना मुझे गूगल पे चेक करा रही है कि ये चीज़ ना वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो कह ली मैं ये चीज़ें तो नहीं पीता, ड्रिंक विस्की हो गई या स्मोकिंग वगैरह हो गई, ये चीज़ें मैं नहीं पीता ना अक्सर। तो ये लोग मुझे मतलब है कि दे रहे थे ड्रिंक, तो कहते हैं कि पियो, हालांकि ये पीते रहते हैं ना, इसको अच्छा लगता है ना, तो ये मुझे लेकिन मैं ये चीज़ें तो मैंने इसको वापस कर दिया। हालांकि ये चीज़ रखी हुई है, ये चीज़ खाना वगैरह इन लोगों ने खाया है, का जो मौसम है माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है ना। यहाँ पे इन लोगों की पार्टी चल रही है ना। आज मुझे पता नहीं था कि ये पार्टी देखेंगे, लेकिन सॉरी पार्टी चला रहे हैं। तो यहाँ पे तीन चार बंदे बैठे हैं यहाँ पे ड्रिंक, और मुकम्मल ये शराब बनी हुई है। आई डोंट लाइक या ड्रिंक विस्की ना। नो विस्की नो विस्की नो विस्की व्हाट नेम कथम थाईलैंड कथम सेम सेम कुछ बात नहीं है मेरे दिन नहीं है बोला भाई कैंसा आप सांग की नहीं खाई मुझे पता नहीं। अच्छा जी, मैं अभी आ गया हूँ काम पे, तो मुझे अभी काम करना है। मुझे बुला गए हैं कि भाई आप काम करो उनके साथ ना बैठो, क्योंकि वो तो पागल हो गए, कहते हैं आप ना फैक्ट्री में थोड़ा सा जो काम करना है ना, पानी वगैरह जो पैकिंग करनी है, आज मैं वही करने जा रहा हूँ। तो आप सबको दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है काम भाई यहाँ का ना। आई गो टू आउटसाइड मुझे कह रहे हैं कि आपका एक लड़का है ना जो मालिक है कंपनी का, उसके साथ जाएं और जो ना पानी है ना उसको ना अपना सील करके आएँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आ जाता हूँ। मैं तो खुद खुश था कि चलो अभी थोड़ा सा दूर जाता हूँ ना, तो देखते हैं आगे क्या होता है ना, क्योंकि फर्स्ट हुआ है ना मेरा थोड़ा सा दूर जाने के लिए ना। यहाँ का जो सामने वाला घर है ना, यहाँ पे ना इन लोगों ने मुर्गे पाले हुए हैं ना भाई। जिस टाइम देखो 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद ना जो हम तो सराकी देवी देखेंगे ना, कुक्कड़ भांग ले यार, कुक्कड़ वाकी भांग ले, मतलब है कि सोए हुए हैं। अभी देखा ना, ये दोबारा देखा है ना, सोया होता हूँ तो फिर भी ये भांग दे रहा होता है ना। चलो कोई नहीं यार, लाइफ है, गुजर रही है ना, इंशाल्लाह गुजरेगी। ओह माय गॉड, मिनी ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर भाई, ये आप चेक करें, मिनी ट्रैक्टर जब भी चला रहे हैं ये लोग ना। बाय बाय।
ये बच्चे थे ना देख रहे थे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इन लोगों ने ना जल्दी जल्दी ना साइकिल चला के भाग गए ना, ये आंटी है और ये बाइक चला के आई हुई है और ये मिनी ट्रैक्टर। मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे चलाए हुआ है ना इन लोगों ने। और यार बछड़ा चेक करो भागे था ना, इन लोगों ने बछड़ा पाला हुआ है ना, मतलब कितना खूबसूरत है यार, सेम टू सेम पाकिस्तान जैसा है ना। वाह कमाल है यार, ट्रैक्टर को देखो, वाह वाह ये है भाई थाईलैंड, ओ कमाल की चीज़ है यार। अच्छा ना इन लोगों ने ये घास लेकर आए हुए हैं ना बछड़े के लिए ना। हेलो बेबी हाउ आर यू दिस हैव, कमाल ये साइकिल चेक करें इसका। ये है जी खानीन, अभी गाड़ी लेकर आ रहा है तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा ना वाटर है ना ये देने जाना है ना, वो अभी गाड़ी लेकर आएगा तो हम लोग जाएंगे। ये हैं जी थाईलैंड के मोटरसाइकिल, आप चेक करें ये किस तरह से है ना, यहाँ पे मीटर वगैरह भी लगे हुए हैं ना, इस तरह के हैं ना। हमारे पाकिस्तान में होते तो हैं मीटर लेकिन इस तरह से नहीं होते, ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना, इसको लगा हुआ है अपना ये क्या करें यार, ये भी लगी है और आगे टोकरी वगैरह इन लोगों ने लगाई हुई है ना। कमाल है वैसे खूबसूरत लग रहे हैं ना। और बकाया ये दूसरा कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं स्लफ स्टार्ट है ये भी, और ये भी स्लफ स्टार्ट बाइक है। कमाल है यार वैसे प्यारे प्यारे मोटरसाइकिल बने हुए हैं ना। अच्छा जी ये आ गया है हमारा माल, इसको हम नीचे उतारेंगे और ये ना पैकिंग करेंगे हम लोग ना। खनीन का काम चेक करो, ये ना इशारे चला के आया हुआ है ना, ये इतना सारा माल है ये समझ लो कि मुकम्मल ये पैकिंग होगा और पैकिंग होकर ये दोबारा ये सप्लाई के लिए जाएगा ना। तो यार वीडियो बनाने दे मुझे भाई। अच्छा जी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सामान ले लेंगे। ये पैंप आ रहा है वो मशीन के ऊपर से और ये जा रहा है बोतलों में ना, ये देखें ये फुल हो गई है, ये मैं अभी दूसरी में डाल रहा हूँ, ये खुद मैं काम कर रहा हूँ ना इधर आके। मैंने लड़के को बोला मैंने कि तुम साइड पे हो जाओ तो मैं इसको थोड़ा काम करता हूँ ना, और ये मशीनें अंदर लगी हुई हैं ना। मैंने मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ना काम करते हुए भी, काम तो मेरे ख्याल में नहीं करते हुए दिखाया था लेकिन मैंने चेक करवाया था आप लोगों को ना। ये देखें ये एक मिनट से भी पहले पहले ये ना भर जाती है बोतल, इतना यानी प्रेशर है इसका ना, ये कितना यानी कि ये बड़ी बोतलें हैं तो इसमें पानी फुल डाल के इसको पैकिंग करके फिर ये बेचते हैं ना। अच्छा जी ये इस तरह से फिर पैकिंग की जाती है ना। इतना काम मुश्किल नहीं है मतलब जितना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि न्यू बंदे के लिए ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये काम करना ना, जो
काम करते रहते हैं उसके लिए मुश्किल नहीं है ना ये ज़्यादा। जी अभी मैं ना मच्छी ये डाल रहा हूँ ना मुझे खाने के लिए, आज मुझे मिली है ये मच्छी, मैंने कहा चलो आज मच्छी डाल लेते हैं तो मच्छी खाएँगे ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हलाल का मसला होता है, हलाल बहुत कम मिलते हैं तो ज़्यादा तौर मुझे ये राइस खाने पड़ते हैं और फिश खानी पड़ती है और चिकन खानी पड़ती है, ज़्यादा तौर यही कुछ हलाल मिलता है ना जी। अच्छा जी कैसी लगी मेरी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो kindly मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो बात आसानी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया यार, क्योंकि काम करते करते ना यकीन करो कि मेरे जिस्म में ना दर्द हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा काम इतना भारी तो नहीं है लेकिन बंदा जब खड़ा रहता है ना तो उसकी वजह से मुझे ना जिस्म में ना दर्द हो जाता है, क्योंकि मैं करता था ना मोबाइल शॉप का काम तो वो बैठ कर करता था, तो अभी ये मैं वाटर प्लांट पर काम कर रहा हूँ तो ये ज़्यादा ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।